क्लिप का डिसएडवांटेज है, एक बंदा गिर गया। कुछ हुआ है क्या? ओ गुरिंदर कैसे जा रहा है? ओ तेरी, ओ शिट ओ शिट ओ शिट। सीरियस सिचुएशन होगी कि यश और उसका गैंग निकला था, तो कह रहे हैं वहाँ फॉर्च्यूनर डूबी पड़ी है, ऑल्टो तो वैसे ही फ्लोट मार रही है, एक दो और गाड़ियों को बताया कि वो भी डूबी पड़ी है। Hey guys, this is Arbik Vaibhav and आज एक बहुत अमेजिंग राइड हमारे होने वाली है मैकबी गुड़गांव में। And you can also see कि मेरी गाड़ी पे साइकिल्स लोडेड हैं। The thing is that हम जा रहे हैं जयपुर में एंड वहाँ पर हम राइड करने वाले हैं, हेरिटेज साइट विजिट करने वाले हैं, शायद ऑफ रोडिंग भी करेंगे। यश भाई यहाँ पर आ गए अपने ब्रेजा में। भाई आराम से भाई। तुम क्या आगे क्यों होती ना, तेरे सर को क्या हो गया? पापा ने मिलिट्री कट करा दिया क्या? पापा तो गुस्सा हो रहे हैं। We have just reached the expressway. ये नया expressway बना है जो कि जयपुर की तरफ जाता है। अच्छा ये भी आज अपनी नई साइकिल लाया है, इसके भी दिखाएंगे अभी। This is Shivesh. We have just taken a break on the expressway. यहाँ पे थोड़े से drone shot लिए जाए। भाई ये 3D print करी है मैंने। इतने बार रुक रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी पहुंचे एक्सप्रेस वे से। अभी कितने बजे टाइम क्या है? सब अलग अलग टाइम की बता रहे हैं भाई। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर, भाई साहब पानी चढ़ा रहे। So we were ordering food at the restaurant and भाई taste कैसा लग रहा है? मेरे को oil pastel color आते हैं ना। इससे पहले हमने चौमिन मंगाई भाई, उसका भी ऐसा ही taste। अब लाल रंग वाले। अब लगता है बाहर जाके खाना पड़ेगा सब कुछ। ये explore कर रहे हैं जगह, कोई महल type का है, ऐसे गाड़ी निकाल ली। भाई भाई मुझे haunted feeling आ रही है। उधर क्या, यहाँ क्या है? भाई मैं नहीं आ रहा भाई भाई। हम ये देखो सिरेमिक कराते तो ऐसी फीलिंग आती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू दिस बिल्डिंग। दिस इज वर्ल्ड पार्क है क्या? ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क। ठीक लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक लग रहा है थोड़ा। पाली का फीलिंग नहीं आ रही? हाँ पाली हमें टाइल्स लगा दी बस। बेसिकली हमने स्पेशली यही वाला होटल लिया था बिकॉज यहाँ पे हमें स्विमिंग का ऑप्शन मिला था। बस हम वेट करते कब स्विमिंग पूल क्लियर होगा। एंड अब हम यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं भाई। साइकिलिंग डे तो मुझे किसी एंगल से नहीं लग रही है। क्या पंगा हुआ? डिस्प्ले गया। ये वाटरप्रूफ फोन था, इसको बाहर तो निकालो, फिर फटाफट बाहर निकलो इसको। इसका फोन गया, वाटरप्रूफ था। इन्वेस्टमेंट कर लिया भाई ने। और आल्सो मैं अभी इंस्टाग्राम पे लाइव भी आया था, हो सकता है वो भी आपने वॉच कराओ। क्या कह रहे थे, सैमसंग का फोन का बचेगा कि नहीं? हां सैमसंग का फोन, मोबाइल फोन का पॉलीगन बचेगा या नहीं? देखो इनको पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, इनको मैगी करनी है, उसको लाइव करने है, और ये कहां बना रहा है मैगी? देखो भाई स्लेव यही है। वी आर जस्ट लीविंग, दिस इज द डे 2 जो कि अभी हेरिटेज राइड हम करने वाले जयपुर में। एंड सब यहां पर रेडी हैं, हितेश भी यहां पर आ चुका है। बाय द वे जयपुर की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि यहां पे ट्रैफिक बहुत ही डिसेंट है। We are entering this place. This is the Nagar Nigam. Hello, कैसे भाई? Nice to see you. कैसे भाई? Nice to see you. मैंने कहा DM भी करा था। फोटो ले लूँ? हाँ ले लो भाई। तो मैं आपको भी दे दूँ। या मुझे दे दो। Hello, कैसे हो? Nice to see you. Hello. भैया के साथ हमारी। अरे भाई भाई, thank you sir. Welcome. Big fan sir. Thank you भाई. सर आप सारी वीडियोस देखते हैं। अरे थैंक यू सो मच। व्लॉग में हमें भी लेना। हाँ डन डन यार। बाय द वे शिवेश ने भी आज यूनाइटेड यूज कर रहा है। ये कहाँ से लाया भाई? ये ऐसी मिल गई। इसके अलग मजे, ये कोसानी जाते हैं वहाँ इसको साइकिल मिल जाती है, यहाँ जाते हैं यहाँ मिल जाती है। राइड इज अबाउट टू स्टार्ट एंड सबने टी शर्ट पहन लिया। मैं भाई मेरे को साइज नहीं मिला यार। नहीं मिला क्या? हाँ मैं तो टायर साफ कर रहा। बात कर रहे हैं सारे लोग, बुला लिए मैं। कुछ भी पंगे ले लो, तुम भी मजे ले लो। इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, ये बोला था जयपुर आ रहा हूँ, ये नहीं बोलता यहाँ आ रहा हूँ भाई। भाई वो लोग आपको देख के आ गए। कुछ भी कुछ थोड़ा सा डिसाइड किया कि हम पहलेंगे। रूट तो डिस्कस हुआ ही था, जाना का पता ही नहीं लग रहा मुझे। आई गेस ट्रैफिक भी स्टॉप है मान ली। एनी कोई फोटो वगैरह है कहीं? ऐसा ना हो ये मेन मार्केट हो, क्योंकि वो भी ऐसी थोड़ी सी दिखती है। ये मेरे ख्याल से तो मेन मार्केट ही है, मैं आया हूँ यार। सो मुझे लगा था हेरिटेज राइड का हम किसी फोर्ट वोट पर जाएंगे, तो यहाँ पता है कि हेरिटेज राइड का मतलब ये है कि जयपुर के आसपास थोड़ा सा सिटी में घूमना है। तो फोर्ट वोट अगर जानी है तो आज आपको वैसे गाड़ी से चले जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, देखते हैं। ये
फिर राइड एंड हो चुकी है। 10 किलोमीटर की थी, मैं एक्सपेक्टेशन रखता था 40 किलोमीटर की होगी, जान निकल जाएगी। बस मेरा अराउंड 15 के आसपास आया होटल में ला के। कल ही करेंगे भाई रेस अब तो। ये कॉन्फिडेंस देख रहे हो, हारना तय है आपके सामने, तब भी हम रेस। भाई मैं खुद हारने प्लस साइज टायर लेके घूम रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइस अब हमने 10 किलोमीटर की राइड की, 10 किलोमीटर के लिए यहाँ पर हमें मेडल दिया जा रहा है। 21 एवरेज इस पे। हाँ नॉर्मल साइकिल पे मेरी 15 आती है। इसमें मैंने मेहनत भी नहीं की। ये एक्चुअली यूनाइटेड की सुबह ट्राई करने के लिए थी G20, तो उसने बताया कि इतनी एवरेज 20 के आसपास आई। 21 भाई इतनी भागती है साइकिल यूनाइटेड, मैं क्या बताऊँ। मैं बता रहा हूँ फर्क बहुत है, कम नहीं है क्या एवरेज? मेरी एवरेज स्पीड 40 रहती है यार। रुक रुक के जाते हैं ना। कौन सी बाइक है भाई? मैं एकदम बेसिक MTB चलाता हूँ, हीरो की। 40 तो भी यहाँ पर हम आ गए। ये एक्चुअली पीछे का रास्ता है, सामने का गाड़ी से होता है। तो यहाँ से बताया सीधा आप पे लाएगी एंड वन बाय वन करके जाना पड़ेगा, देखते कैसे होगा। बहुत इजी है, ऐसे ही कोई कह रहा है क्लाइंब है। 10 की स्पीड में साइकिल चल रही है। हाँ भारी है डिफिकल्टी भाई। भाई ये सारे रुक रहे हैं, एक गया मैं यहीं रुक गया। हाँ बड़ी ग्रेडियंट, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, तो सोच रहे थे भाई क्लाइंब पे व्हील ही मार रहा है। क्या जान निकली पड़ी है। क्लिप का डिसएडवांटेज है, एक बंदा गिर गया। अच्छा वो क्लिप नहीं करके आया मैं, बच गया। तेरा ऑन था भाई, कैसा लग रहा है? अरे गिर के बुरा लग रहा है, बाकी तो सब सही है। चढ़ते चढ़ते साइकिल व्हीली मार रही है, फिर हैंडल काम नहीं कर रहा। हैंडल लेफ्ट राइट होता, पता नहीं लगता कहाँ जा रही साइकिल। जो आर्मी नेशनल ट्रेनिंग करते ना उनको नैनीताल, हल्द्वानी से नैनीताल चढ़ाते हैं 8-9 के। क्या बात कर रहे हैं? नहीं अगर शिफ्ट किया ना डंडे पड़ते हैं। ओ भाई भाई भाई, कितने के मतलब, कितने के लिए? ऑनलाइन देखा था 2। मेरी वीडियो रिवर्स में चल रही है भाई। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को चक्कर आ रहा है। वीडियो रिवर्स में चल रही है। हाँ, मेरे को रिवर्स में चलते हुए दिख रहे हैं बंदे, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। नहीं नहीं वो रिवर्स तो ऑनलाइन 2 के थे। हाँ? लेकिन जहाँ से लाया हूँ वहाँ पे 4 का एक टायर था, मतलब ऑलमोस्ट 5। ऑनलाइन 2 के थे, 4 का एक। हाँ दिया है और ट्यूबलेस मकॉफ की किट लगाई है, उसके साथ पूरा 13 का बोल रहे थे, बार्गेनिंग करके 11 का करा के आया। 11,000 के टायर डाले, टायर और ट्यूब। तुझे पता है ऑल्टो के टायर कितने के आते हैं? 3,000 के तो ब्रांडेड आते हैं। 1,500 से 2,000 के आ जाएंगे। बताइए मेरा भाई। हाँ 6,000 के टायर सही का, जितने के तूने 2 ऑल्टो के 10 लगा ले। सो मैंने क्लिप इन करा, अब ये देखो कितनी जल्दी चल रही है साइकिल। जनरल में क्लिप इन करता नहीं हूँ। रुकना नहीं है, कंटिन्यू चला रहे। तेरी क्लाइंब अच्छी है वैसे, बदल ले बेशक साइकिल बदल ले। अरे भैया आपकी तो बहुत इजी है। हो गया मेडा चेन कट कट चेन है ना, जनरली बताया तो अब फिर अगर आप करते हो चेन चेंज करते हो बहुत दिक्कत आती है। नई चेन नई चेन दिक्कत ही है, नई चेन है। हाँ और ये भी नहीं टूट जाएगा दिक्कत है, पर महंगी है, 4,000 की है। क्या बात कर रहा भाई, अमीर लोग। सुपर जो नया गार्मिन है इसमें एक एसेंट फीचर आता है, एसेंट प्लान है, तो यहाँ पे पता चलता है कितनी क्लाइंब है। इस क्लाइंब पे अगर आप हार्ट रेट देखें, मेरा जोन 5.3 तक गया था। इतने पे एक बंदे का नहीं जा पाता है, हार्ट रेट मुश्किल होता है ले जाना। देख मेरा तो देख मोटे टायर है, मैं तो मजे से ले जाता हूँ, जान लगाओ बस। अब पता लगा इतना ओवरवेट क्यों है भाई, 1.5 किलो का ड्रोन का सेटअप है, साथ में और सामान उठाया मैंने, इसलिए मैंने इतना जोन जा रहा था भाई। अपनी उड़ा रहे हम, पता लगा ड्रोन अलाउड नहीं है। ये नो ड्राई जोन है, नो ड्राई जोन। मिलते को पीनी है कुछ यहाँ पर? नहीं 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 लो जी क्लाइंब करते करते क्या हो गया, पूरी चेन ही अंदर घुस गई है। बाकी हम यहाँ पे नाहरगढ़ फोर्ट में पहुंच चुके हैं, दिस इज द फोर्ट। भाई क्लाइंब तो बहुत ही अलग लेवल की थी। यहाँ अलाउड है साइकिल से जाना? अंदर अंदर नहीं अलाउड, अंदर नहीं अलाउड ना, ठीक है। ये से नज़ारा अच्छा लगेगा, बट जिस हिसाब से उसकी आवाज़ें आ रही है मेरे को तो खतरा लग रहा है। क्या हो गया भाई तुम्हें? ये तो बहुत फ्लैट एरिया यार, लेकिन अच्छा है। सो भी डाउन हिल जा रहे हैं हम, मेरे को भी आ रही है सबकी साइकिलों से। अभी से अभी तो स्टार्ट हुआ है बस, नीचे तक आग निकलेगी, आग 50 मीटर यस जा रहा है नीचे। पर हाथ लगा के देख, मैं डिस्क पे गरम है। क्यों लगानी है जब बदबू आ रही है? भाई ब्रेक की जान निकल रही है भाई, भाई गलती करती भाई। ये है अपना गैस भाई, आवाजें खतरनाक आ रही, ऐसी खतरनाक। ओ लेट्स गो,
इन भाई साहब ने ब्रेक पे हाथ लगा दिया, ये पैटर्न बन गया पूरा। क्या सोच के बनाया, क्या क्या सोच के, अलग से गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर हमें। यहाँ पे बड़े अलग टाइप के कीड़े देखे मैंने, ये देखो अर्थों में क्या है, ये कान कसूर टाइप से है। क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? ओ गुरिंदर कैसे जा रहा है यहाँ से? मैं तभी को एक्सप्रेशन दिख रही, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ मुझे कुछ नहीं आ रहा था। उसने प्रॉपर रिम भिड़ाया है इसके साथ। इस ब्रेक मार। वो जस्ट बचाएंगे, जस्ट भाई ट्रैक की बिल्ड क्वालिटी टेस्ट होगी दीवार में देख के मारे ट्रैक ट्रैक है गाइस, ट्रैक है, इसने रिसेंटली ट्रैक लिया इसलिए खुश है बहुत। सो बेसिकली बहुत मजा आया यहां पे, स्पेशली थैंक्स आपको हमें लाने के लिए यहां पर नाहरगढ़ में। एंड वो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा वर्थ यही था अभी तक का। अब कल देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हम रेस भी कर रहे हैं यहाँ पर जयपुर में, कल ज़्यादा बेटर होगा। एंड नाउ दिस इज द डे टू, आज भी हम स्विमिंग कर रहे हैं आफ्टर द राइड। भाई बेबी कलेक्ट कर रहे हैं इंसानों, ये रेस हो रही है क्या? क्या फर्क है? तो अभी अभी ये बात कर रहे हैं, हम ये बता रहे थे हम कितने के बजे आए थे, हम कितने बजे निकले थे? 5 बजे हमारा असेंडिंग था, 5:30 बजे एम्बुलेंस से मिले और 3.5 घंटे में ऑलमोस्ट पहुंच गए। कितने बजे पहुंचा? हम एक्सप्रेस वे से गए थे 5 बजे गया था, 5 बजे शाम के, सुबह के शाम। हाँ फिर मैं पहुंचा हूँ रात के 3:30 पे, आधी रात पे 3:30 पे भाई। अब इस जगह पे जा रहा है, जान रहा है भाई, 3 घंटा सोया यही था, शोर कर रहा था भाई रात को। हम है ना पूरे टाइम हम उल्टा स्पीड कम कर रहे थे अपनी, कि भाग रही है गाड़ी ज्यादा भाई, हमें जल्दी नहीं पहुंचना। तो इन टोटल अगर आप आ रहे हो तो एक्सप्रेस वे से आओ, बहुत वर्थ है, टोल तो है लेकिन बहुत मजा आता है। एंड नाउ यहाँ पे जो फेमस लस्सी है हम वो वाली ले रहे हैं, यहाँ पे लस्सी वाला है। एंड एक कंफ्यूजन है असली कौन सा, मुझे भी आइडिया नहीं, प्लीज आप मुझे बता देना कौन सा असली है। कहाँ से लिया? चेन्नम से लिया। ओ अमीर लोग। जस्ट रीच द अमेर फोर्ट, दिस इज द मोस्ट फेमस फोर्ट, तो यहाँ जाना तो बनता ही है। साइकिल होती ज्यादा मन होता है। मिड पॉइंट पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, वो सीढ़ियां जा रही है। हाँ। वो यहां से जाएंगे सीधा ऊपर पहुंचेंगे। मजे से यहां पर रास्ता जा रहा है जो सिंपल है, इनको पता नहीं क्या चढ़ा है, क्या चुल है, सीधा ऊपर यहां चले गए भाई। किसका आइडिया था यार ये, अभी पता नहीं कहां से कहां चढ़वा दिया जिसने। वैसे यहां चलो ठीक है, व्यू तो अच्छा है, धूप आ गई यार। लेट मी एक्सप्लेन, पसीने खड़े खड़े निकल रहे हैं इनको, अब भी चल रहा है। ये क्या तरीका हो भाई, उई तुम साइकिल पे लाते, मैं एक्साइटेड रहता, मेरे को पैदल ट्रैकिंग नहीं करनी भाई, और वहां पर जाना है भाई, सीधे रास्ते से जाना ही नहीं इनको, वहां सीधा रास्ता निकल रहा है भाई। पता नहीं किसी को दिख रहा है या नहीं एंगल, ये देखो ये एंगल है यहाँ का, इनको चढ़ना है यहाँ पर, और दिक्कत ये इनको चढ़ने की वजह से मेरे को भी चढ़ना पड़ रहा है। मैंने अपनी गंदी सी कोई फोटो ली, क्योंकि स्कूल वाले ऐसे खींचते हैं, फिर एक गार्ड पे लगा दी। वैसे तो मेरा नाम प्रणव है, अशोक साहू हूँ मैं भाई। टिकट का प्राइस बंदे ने आधा कर लिया भाई, एक बंदे की टिकट है ना तुम्हारी, उतनी अंधों की होगी। ये अलग है चल रहा है इनका। हमने जयपुर के तीनों फोर्ट कवर कर लिया। हाँ। पहला फोर्ट था हमारा नाहरगढ़ फोर्ट, जो हमने सुबह साइकिल से कवर किया। दूसरा फोर्ट था हमारा अमेर फोर्ट, जो भी हम पैदल आए हैं बहुत ही उल्टे सीधे दिख रहा है। एंड तीसरा फोर्ट हम यहाँ पे है जयगढ़ फोर्ट, तो ये दिखाने लाया मुझे यहाँ पे। ट्यूबलेस रेडीज बिल्कुल। क्या है क्या है क्या है यहाँ पर है, कहाँ है? और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता होता है ये इसको चपड़ी बोलते हैं, जैसे चूड़िया बनती है लाख की, उसकी आती है। अब जैसे इसे गर्म करें, गर्म करके फिर जो सामने ताला लगेगा उसके रस्सी ताले के बीच में बंद के, फिर रस्सी गोल करके, फिर रस्सी पे गोल करके चिपका के, फिर मोड़ लगे। ये रोज लगाते हो आप? डेली लगा बेसिकली। ये देखो अभी हमारे सामने ही लॉक किया जा रहा है, यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट है। हर बार शाम को ये ताला लगाते हैं यहाँ पर, एंड इसको गर्म करके वहाँ पर लगाया जाता है। कहीं भैरू जी, कहीं भूमिया जी, कहीं माता जी है। क्या बात कर रहे हैं? ये देखो यहाँ हर जगह आपको तीर मारने की जगह मिल जाती है, यहाँ से आराम से तीर मार सकते हो और वापस भी अटैक नहीं होता है यार। असली वेंटेज पॉइंट तो ये है भाई, ये है अमेर फोर्ट, यहाँ से दिख रहा है हमें ऊपर से। हम यहाँ से आए थे, हम लोग यहाँ से नहीं आए थे। अच्छा स्किप मारे, अभी घूम गए थे ये दोनों, दोनों पूरी पब्लिक में अलग ही दिख रहे हैं, एक रंगीन कपड़े दूसरे पिंक चड्डी के नीचे साइकिलिंग शॉर्ट्स। एंड दिस इज द जायंट तोप जो हाइप अप कर रहे थे इतना। फुल बॉडी लकड़ी तो नहीं है यार, रिवेट्स है, रिवेट्स है यार, पेंटेड है ना, रस लगी तो वही है, देख ना। जो स्टार्टिंग में शॉर्टकट लिया था उसी से ये डाउन लाए थे, एंड हम लोग यहाँ से पैदल आए हैं और हम इनसे पहले पहुंच गए हैं। इतनी गंदी बारिश आ रही है यहाँ जयपुर में, कभी आती है कभी जाती है, समझ नहीं आता। एंड फाइनली कल हमारी रेस है, सो दिस इज द डे 3। हम पार्किंग लॉट में हैं अभी, हमारी रेस अभी यहीं पे स्टार्ट होने वाली है। यहाँ रेस स्टार्ट होने वाली है, मेरा भी फोन गिर गया और टेम्पर भी गया और शायद स्क्रीन भी गई मेरी। रेस इज अबाउट टू स्टार्ट, मैं अभी लास्ट में हूँ।
बिकॉज थका बहुत हूँ, कल फोर्ट गए थे। खींचू ओके बिकॉज ऑफ द रेनी वेदर सब लोग बहुत धीरे चल रहे हैं क्योंकि स्लिप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सर आपकी वीडियो में हम भी आएंगे। ये सीधा जाने वाले थे। थैंक यू भाई। तो बाइक वालों को मजे से ओवरटेक कर रहे हैं, वो भी KTM सोचो। ओ तेरी यार, गाड़ी को ओवरटेक करूँ मैं। यहाँ चाह कर भी नहीं भगा सकता, पॉटी पॉटी आ जाएगा। अगर मैं जोन देखूँ अपना तो ऑलमोस्ट 5 हुआ पड़ा है, यहाँ पर 4.8 है। अगर इस पर चलता रहा मैं सामने खत्म हो जाएगा, थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा मुझे। मैंने 2 या 3 अभी एलीट राइडर्स को ओवरटेक किया बिकॉज मुझसे पहले से निकल चुके थे। अब देखते कितने को ओवरटेक करना है। बाय द वे अभी मैं लास्ट था रेस में, भी देखते हैं पोजीशन आएगी नहीं आएगी। एक और एलीट बता रहे यार। मोमोस मिलेंगे? मोमोस हाँ, यहाँ नहीं है। ओहो एनर्जी कहाँ से लाऊंगा? मोमोस नहीं है। मोमोस हाँ यहाँ पे मोमोस। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? मिर्ची वड़ा भाई मिर्ची लग जाएगी मेरे को। बेसिकली टुडे आई एम यूजिंग द FBB बाइसाइकिल, दैट इज दी फर्स्ट बाइसाइकिल दैट आई हैव एंड इसमें बहुत ईजी है मेरे लिए। जो ट्रेल होती है या फिर सैंडी टेरेन है उसी के लिए था, लेकिन दिक्कत ये होगी बारिश वाली टेरेन है। यह नॉर्मल MTB ज़्यादा फास्ट चलेगी एंड रोड में को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि मेरे बहुत फैट आए हैं। साइड प्लीज, पीछे ऑफ रोड बैच है, यहाँ साइकिल लगा के जाता हूँ। साइड प्लीज चल जाएगी यहाँ पे आराम से। ओके ट्रेल हैज जस्ट स्टार्टेड, दिस इज द ओनली सेक्शन दैट आई कैन ओवरटेक पीपल। साइड प्लीज, तुम्हारी ट्यूबलेस से खींचो कोई दिक्कत नहीं। देखा मैंने बोला था ऑफ रोड पर हम ओवरटेक कर सकते हैं सबको। प्रॉपर MTB वो यूनाइटेड है, मेरी FBB है। सो जितने मुझे रोड पर ओवरटेक किया था सबको भी ट्रेल पर ओवरटेक करेंगे हम। दिस सेक्शन इज सो टफ एंड अपहिल है यहाँ पर अराउंड 6 degrees की कि लोगों को वॉक करना पड़ा। हो पा रहा है? मैं तो खुश हो गया भाई ऐसे ट्रेल देख के, यही तो चाहिए थी। तो बचा शर्ट सैंगो ट्रेल मार्क ने बनना, इधर उधर पक्का घूम जाता मैं। साइड प्लीज ऑन योर राइट, थैंक यू। वो कह रहे ये रियल माउंटेन बाइकर है। ओ तेरी ओ शर्ट ओ शर्ट ओ शर्ट आया ओके। खून आया आपका? खून लगा हुआ है। ये तो फॉर श्योर है कि खतरनाक बहुत है। डरो मत, इतनी स्पीड भी नहीं है मेरी। ये जितने बंदे आए मैं सबको ओवरटेक कर लिया है गाइस, मैं अकेला सबसे आगे हूँ शायद, या मेरा कि ज़्यादा ज़्यादा इलीट वाले होंगे। द अपडेट इज़ दैट 13.6 किलोमीटर हो चुके हैं, मैंने गारमेंट लेट स्टार्ट किया था, दैट मीन्स अराउंड 14 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर की राइड रहती है, मेरे को लगता है 5 किलोमीटर ऑफ रोड होगी, रोड राइड होगी, सिर्फ रोड की रहेगी अब। और दूसरा मेरा इशू ये है कि मैं क्लिप नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे ये टेरेन ही नहीं पता ना, मेरा आगे को बंदा है, मैं गिरा तो बहुत गंदी लगेगी। इसलिए बेटर यही रहेगा भाई शांति धीरे धीरे चल रहे, रेस मत ही कर, वैसे भी कौन सा जीतना है। हेलो गुरी, अरे गुरी नहीं है, क्या हो गया भाई? अच्छा तो अपने ही तुम तो यार। हाँ बताओ क्या करना है, छोड़ो रेस वेस। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गांव वाले में टकरा गया, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। बस तीन बंदे क्या बात कर रहे हैं, ये हरकत हुई है। शिवेश और 2 नेशनल लेवल प्लेयर थे बस हमारे आगे। अच्छा अपडेट ये है, अब तो भाई लास्ट में आएंगे। तुम्हारी भी चेन गई पॉलीगन की? इसकी आ रही है। तुम देखो अंकल डेस्टिनी, मैंने ओवरटेक कराई थी, मैंने कभी फायदा ही नहीं हुआ भाई, रास्ता वो है भाई। Top 3 कांग्रेचुलेशंस, ये तो सच में बहुत तेज भगा रहे यार। फिलहाल ये टग ऑफ वॉर खेली जा रही है गाइस, मैं पता नहीं क्यों खड़ा हूँ। आप तो बोल रहे हैं जाओ आप अपनी रेस कंप्लीट करो। अरे आराम से जाएंगे, पोडियम तो लेना नहीं। इमेच्योर मैं, आप टॉप 10 पे हूँ अभी भी। Now the update is that I was close to starting में तो बिल्कुल लास्ट राइडर था, मैंने ऑफ रोड में सबको ओवरटेक किया, मेरे को लगता है टॉप 10 में या फिर टॉप 7 के आसपास में पोजीशन पहुंच गई थी। फिर चेन रिपेयर कराई एंड ये हो नहीं पा रही थी, तो मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट में हूं, बस मेरे पीछे है 1-2 बंदे हैं जिनका पंचर वंचर है, मैं बिल्कुल आराम से जाऊँगा, रेस बनने का फायदा ही नहीं है। ओ शिट मेरा
स्क्रीन मच गई है। कैसा है? कैसे हो? मेरी क्या पोजीशन है? आपकी सिक्स पे। मैं सिक्स पे? हाँ। मैं टहलता हुआ आया हूँ, रुक गया, मैं मुझे मार रहा था। अगर आप भगाते ना तो आप फर्स्ट या सेकंड, सेकंड तो मैंने लास्ट में स्टार्ट किया था। अरे वो फर्स्ट। अभी तो मेरे को हजम ही नहीं हो रहा, मैं सिक्स से आ गया। मजाक नहीं कर रहा, मैं टहलता हुआ आया था। मैं चलो ठीक है, हाँ ठीक है। बड़े तुमने लास्ट के शॉट देखोगे, पहले तो ठीक है नॉर्मल चला रहा था मैं, मुझे टहलता आ रहा हूँ किचन उड़ जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। सेकंड आया। ये क्या हो रहा है? दिल्ली की टीम भाई फाड़ रही है यहाँ पे। ये हो क्या रहा है? मैंने स्टार्टिंग में रेस तो मैं करने के हिसाब से मैं थर्ड पोजीशन आया था, अगर वो रुकता रहा वहाँ पर। नहीं फर्स्ट है। फर्स्ट है वो बैस की। हाँ अरे अपनी टीम से है तो तो अभी मैं यही देख रहा था, नोटिस कर रहा था इसमें क्या क्या फर्क है यूनाइटेड में, बिकॉज वाइबन की चेन आती है, ये कैसे डालते थे इतनी इजीली, क्यों चल रही है। दूसरा भी मुझे याद है जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है शिवेश की, भाई साहब उसके पास भी आज यूनाइटेड ही थी, वैसे वो दूसरे साइकिल चलाता है। भाई दोनों ने ये अपग्रेड करी और दोनों ही पोडियम पोजीशन ले आए फर्स्ट। सो अभी हम लोग दिल्ली जा रहे थे, बहुत ही सीरियस सिचुएशन होगी कि यश और उसका गैंग निकला था खाटू श्याम के लिए, एंड वो कह रहे हैं वहाँ फॉर्चुनर डूबी पड़ी है, ऑल्टो तो वैसे ही फ्लोट मारी, एक दो और गाड़ियों को बताया कि वो भी डूबी पड़ी है और फ्लोट एक्चुअल में फ्लोट मुश्किल से यहाँ पर आया, इसकी हालत बहुत टाइट है। सो फाइनली वी आर गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि हमें पता है कि अभी दिल्ली में रेन शांत हुई है, फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं अभी भी, लेकिन हम रिस्क लेके तब भी जा रहे हैं बिकॉज कल के तो और ज़्यादा बारिश होने वाली है। ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पसंद आई इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार अगर ऐसी परफॉर्मेंस है मेरी तो फिर तो मैं रेस करना सच में स्टार्ट कर दूँ।